कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में आज शाही स्नान हो रहा है। कुंभ में इस हफ्ते सोमवार और बुधवार को कुंभ मेले में शाही स्नान का कार्यक्रम है। इस स्नान को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है। हर के पौड़ी ब्रह्मकुंड पर सुबह 8 बजे से लेकर जब तक सभी अखाड़े स्नान नहीं कर लेते तब तक किसी भी व्यक्ति का ब्रह्मकुंड पर स्नान करना प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आमजन अन्य घाट पर स्नान कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ के पहले शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगाने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे तो कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने बताया कि हर की पौड़ी क्षेत्र 9 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अलावा 14 जोन और बनाए गए हैं जिसमें SP लेवल के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 23 सेक्टर भी बनाए गए हैं। आम श्रद्धालु यहाँ पर लगभग 7 बजे तक स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा एरिया एक तरह से प्रतिबंधित हो जाता है पब्लिक के लिए और इसे आरक्षित किया जाता है पूरी तरह से। हमारे जितने भी अखाड़े हैं जो कि शाही स्नान के लिए यहाँ आते हैं तो उस लिहाज से जो हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड और इसके आसपास के एरिया को हम लोग फिर आम पब्लिक के लिए न रख के बाकी अखाड़ों के लिए रखते हैं और बाकी जितने भी घाट हैं वो खुले रहते हैं। आप भी जानते हैं कि चाहे गंगा जी में कहीं भी स्नान करें तो उसका पुण्य लाभ बराबर ही मिलता है। नगरी हरिद्वार में कुंभ का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। पुलिस की यदि हम बात करें तो पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में COVID-19 के भी पालन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ देवा मेहता, A1 TV हरिद्वार।